चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। और सर, रिजल्ट अच्छा रहा दोस्तों? देखिए, रिजल्ट ऐसे ओवरऑल अच्छा भी था। 30 से 35% रिजल्ट हर बार आता है, और इस बार 29.25% रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट 30% रिजल्ट आया है। अब बात ये दोस्तों कि सर, रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन 70% रिजल्ट जो नेगेटिव आया है, जिन जो बच्चे 70% के स्लैब रेट में है, वो क्राउड बहुत बड़ा होता है दोस्तों। एंड ट्रस्ट मी, वी ऑल अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है, लेकिन दोस्तों इस मोमेंट पे आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। इसमें मैं कहता हूँ कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जिसने बहुत मेहनत करी थी, पढ़ाई करा था, और फिर वो फेल हो गया, वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था, उनको पता था कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है, दे आर रेडी। तो हमें उन स्टूडेंट्स से के लिए हम आए हैं जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करके 180 190 इस नंबर पे आकर के दोस्तों आप फेल हो गए हैं। हमें समझ में आता है कि 205 और 190 वाले बच्चों के नॉलेज लेवल, आईक्यू लेवल पे कोई फर्क नहीं होता, पर फिर भी 205 वाला खुश और 190 वाला दुखी है दोस्तों। द रीजन इज बस, अब पास करने के लिए 200 चाहिए तो चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर मुमकिन प्रयास, हर चीज जिसकी आपको जरूरत है, प्रॉपर एक गाइडेंस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको शुरुआत करने के लिए प्रॉपर आपको दिया जाएगा। क्या बोलती टीम? यस सर, यस बिल्कुल सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली डेफिनेटली। सर, एब्सोल्युटली। बस ये मैं बस यकीन दिलाना चाहता हूं हर स्टूडेंट को जिसने आज नेगेटिविटी फेस करी है, कहीं ना कहीं बैकलैश फेस किया है। और क्योंकि ये पहला एग्जाम होता है 12th के बाद, प्रोफेशनल एग्जाम, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, तो थोड़ा मुझे लगता है कि अगर आप एकदम निराश हो जाएंगे तो मुझे लगता है आप खुद पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे फॉर नो रीजन। ऑल्सो ऐसे सिचुएशन में आप खुद कोई डिसीजन ना ले, टीम वी स्मार्ट, आपके टीचर्स आपको सही राह दिखाएंगे। एंड आई फील कि सम फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। क्या कहते हैं अभिजीत सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि इस बार जो सब्जेक्टिव पैटर्न वाले जो पेपर्स थे, स्पेशली अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, तो अकाउंट्स का पेपर काफी इजी आया था इस बार का। लॉ का पेपर भी मतलब इजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी साइड में था। लेकिन आई फील दैट सब्जेक्टिव पेपर्स का जो चेकिंग हुआ है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, स्पेशली लॉ। लॉ में मैंने काफी सारे बच्चों का देखा है कि दे स्कोर्ड अ बिट लेस, तो ये हुआ है, तो ये सभी के साथ हुआ है। एंड बिलीव मी दोस्तों, इफ यू हैव क्रॉस्ड 175, इफ यू हैव क्लोज टू 200, दैट स्कोर इज अ गुड स्कोर, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। दैट इज अ वेरी गुड स्कोर, दैट मीन्स दैट यू हैव पोटेंशियल, आप में वो काबिलियत है। अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं कर पाए, लेकिन इससे हार मानने वाली कोई बात नहीं, यू आर नॉट डिफीटेड। एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन नॉट से दैट यू आर डिफीटेड। आप बिल्कुल बाउंस बैक कीजिए, आप बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ, पूरी कोशिश के साथ, ऐसा समझ लीजिए कि आपको दूसरा मौका मिल रहा है, एंड जस्ट कम बैक विथ फुल एनर्जी, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी पासिंग योर एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स। राइट राहुल सर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। सर मुझे भी बहुत एक बात जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, वो ये है कि आप 12th के बाद शायद अपने लाइफ का, बहुत बच्चों ने, क्योंकि इंडिया में 89,000 बच्चे फेल हुए हैं, शायद फर्स्ट टाइम आप लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड ये बहुत स्टिग्मेटिक हो सकता है, बहुत ट्रॉमा आता है, थोड़ा स्कैंडलिस, मतलब बहुत बहुत बच्चा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट लेट मी टेल यू आर एक्सपीरियंस, हम सब मोर देन 10 ईयर्स से टीचिंग कर रहे हैं, हमने प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो पहली बार में क्लियर नहीं कर गए थे, उसके बाद उनका EIR भी आ जाता है और लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो लोग फर्स्ट टाइम फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्लीज आप अकेले मत रहिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करिए, बात करिए, और टू अ ग्रेट एक्सटेंट जितना हो सके आप लोग जुड़िए, जल्दी बात कीजिए, जो प्रॉब्लम है, जो वीक एरियाज है, उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। सबसे अच्छी बात इन एग्जाम्स की ये है कि सिर्फ 90 दिन में आपको ICAI एक और चांस देती है एग्जाम में बैठने का। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, अमन सर से, पवन सर से, अभिजीत सर से, वी स्मार्ट के नंबर पे आप लोग कॉल करिए, हमसे जितना हो सकेगा। अमन सर ने आपके लिए बहुत प्लानिंग की है, अमन सर ने बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जून के लिए एक पूरी बैच की प्लानिंग की है। आई एम श्योर अमन सर उस बारे में ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे।
यस दोस्तों, हमारा एक एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है जून 23 के लिए, जो कि 9 फरवरी से शुरू हो रहा है, फेस टू फेस पुणे में, और साथ ही साथ वो लाइव एट होम भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ जो बच्चे अपने कंफर्ट जोन में पढ़ना चाहते हैं, टाइमिंग्स वो है कि लाइव नहीं कर सकते, उनके हमारे स्मार्ट क्लासरूम विजेता बैच के एडमिशन भी ओपन है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये कि हम पहले ये पता करें कि हम कहाँ गलत गए हैं। देखिए, हम बहुत ज्यादा समय दोस्तों वेस्ट नहीं कर सकते ये ब्लेम डालने की, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, पेपर के चेकिंग टफ हो गई, इन सब चीजों को छोड़ करके फटाफट फिगर आउट करिए आप किन सब्जेक्ट्स में लैग कर रहे हैं, किन पॉइंट्स में लैग कर रहे हैं। एंड गाइस, गेट द प्रॉपर थिंग्स डन। आपको जो प्रॉपर क्लासेस की जरूरत है, एक बार करो, सिंगल शॉट करो, खत्म करो और आगे बढ़ जाओ। जैसे कि मैं मानता हूँ आप इसे एक टेस्ट सीरीज की तरह समझो कि एक अच्छी खासी टेस्ट सीरीज भी सीरियस नोट पे, और हमें ये पता लगे कि हम एग्जाम में पैनिक करते हैं, हमें पता लगे कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए क्यों? लेंथी ट्रेडिशनल मेथड लेके चले गए, तो शॉर्टकट्स, सही अप्रोच, 30 सेकंड्स में क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है ये डील करना आना चाहिए। लॉ में नंबर्स एब्सोल्युटली कम आए, आपको पता होना चाहिए लॉ में नंबर्स कम है भैया, तो यू नो दैट कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, केस लॉज नहीं देखे थे, तो फिगर आउट करो एब्सोल्युटली यार। आप कागज में एक बार लिखो कि क्या क्या छोड़ गया, अब 5 6 तो चैप्टर छोड़ जाता है बच्चा, क्यों छोड़े गए? जो छोड़ के गए वो तो पाप है, उनको तो पहले धोना ही है, और जो करके गए, ढंग राइट से नहीं करके गए, उनको और अच्छे से गौर फरमाना है। तो गाइस, इन सभी चीजों को प्रॉपर आंसर करने के लिए हम एक्सक्लूसिव बैच लेकर के आ रहे हैं, और ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, क्योंकि इसे एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच है, जल्दी पढ़ाएंगे, पूरा स्पीड से पढ़ाएंगे, पूरा इन रेगुलर मोड में पढ़ाएंगे। एंड दैट इज अवर गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th फेब इन फेस टू फेस पुणे वी स्मार्ट एकेडमी, एंड लाइव फीस का अवेलेबल रहेगा। चलिए सर, बच्चों को बस नंबर बता देते हैं कि आप अगर कोई दिक्कत हो आपको तो सर एक नंबर आप बता दीजिए जहां बच्चे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। सर, अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर्स पूरे डिटेल में डाल देते हैं अपन, 4 5 नंबर्स, ताकि जिनको जहां भी लगता है वहां पे वो कॉल कर सकते हैं। ओके ओके सर ओके। पवन सर, अभिजीत सर, लास्ट वर्ड्स। यस 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 यस। एक्सेप्टेंस थोड़ा लाओ अपने आप में, जैसा अमन सर ने कहा है, थोड़ा सेल्फ एक्सप्लोरेशन करो, ऑनेस्टली करो कि हमने क्या क्या एरियाज कवर नहीं किए, कौन से एरियाज ग्रे थे, कौन से एरियाज पूरे पूरे ब्लैक थे, ये पता करो, वर्क ऑन इट। और मैंने पिछले अपने 12 साल के करियर में, अमन सर, अभिजीत सर, राहुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट डिजर्व करता है ना पास होना फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता है, तो डिजर्विंग कैंडिडेट हमेशा छलांग मार के सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ 200 ही नहीं सर, 200 की रिक्वायरमेंट को और ऊपर ले जाता है और अच्छे मार्क्स से पास होता है। वो सर वो पास नहीं होता है सर, वो बदला लेता है सर। सो आप सब लोग इस बात का ध्यान रखिए, यू कैन मेक अ कम बैक प्रोवाइडेड यू इंटेंड टू मेक अ कम बैक। थैंक यू। मैं तो ये भी कहूंगा कि अब जो आने वाला एग्जाम है, जून 24th, क्या आपके आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, यू कैन जस्ट फिक्स इट, मीन्स फिक्स इट मीन्स दैट्स योर टारगेट, जून 24 ऑनवर्ड्स इट्स योर टारगेट। डोंट कॉल इट एज जून अटेम्प्ट, अटेम्प्ट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, डोंट कॉल इट एज एन अटेम्प्ट, कॉल इट एज जून टारगेट। एंड इस बार बस मतलब हर एक बॉल में चौके छक्के मारने हैं भाई, बस दैट्स इट। बस अपने एब्सोल्युटली जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी गलतियां की थे, इनको रिकॉग्नाइज करो। अगर आप रिकॉग्नाइज इन केस नहीं कर पा रहे हो, वी आर देयर फॉर यू। आप लोग बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपके लिए आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन से एरिया में आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। सो दोस्तों, डोंट हेजिटेट। मैं समझ सकता हूं कि एट दिस स्टेज बुरा लगता है, एंड बिलीव मी दोस्तों, हमें भी इक्वली बुरा लग रहा है। आप लोग एक बात याद रखना, द सूनर यू कम आउट ऑफ इट द बेटर इट इज फॉर यू। तो आप बिल्कुल अब भूलने की बारी आ गई है, जस्ट भूल जाओ और एक जिद एब्सोल्युटली ला लो अपने अंदर, और उस जिद को अमल पे लाओ, दैट्स इट, एंड वी आर देयर फॉर यू। बिल्कुल आप लोग मुझसे यहाँ पे, हम वैसे किसी से भी आप मिलने आइए प्रेस्टीज पॉइंट में, हम लोग आपसे बिल्कुल मिलने के लिए तैयार है। वी विल सिट 1 to 1, एंड वॉट एवर डिफिकल्टी यू आर फेसिंग, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अगर अगर कोई बैच नहीं भी ज्वाइन कर पाता है, प्लीज रीच आउट। आप अकेले बैठ के डिसीजन मत लीजिए, प्लीज रीच आउट। हो सकता है डायरेक्शंस में कमी रह गई हो, तो कोशिश करना, रीच आउट करिए। आप अकेले मत रहिए, मिलिए, बात कीजिए। इसी के साथ मुझे लगता है कि बहुत वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम लोग यहीं शॉर्ट करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, कोई भी दिक्कत हो हमारी टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। प्लीज डू कॉन्टैक्ट एनी ऑफ अस, वी स्मार्ट के नंबर आपके पास अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। ऑल द ओके, बेस्ट ऑल द गाइस, ऑल द बेस्ट। बेस्ट। या